हाय, मेरा नाम धवल धाकन है और मैं ओपो मुंबई में एक ओईसी। मैंने जनवरी 2020 में ओपो ज्वाइन किया था और मुझे ओपो में आकर 7 महीने सक्सेसफुली हो चुके हैं। तो आज मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं हमेशा से ही बेस्ट ओईसी, बेस्ट एम्प्लॉय ये सब बनना चाहता था। मुझे भी ये सब अचीव करना था, बट सभी प्रोडक्ट नॉलेज होने के साथ साथ मुझ में बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। मेरे सीनियर्स एंड ट्रेनर्स हमेशा मुझे लेकर परेशान रहते थे। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कैसे खुद को और बेहतर बना सकूं। हमेशा ही मेरा नाम लो परफॉर्मेंस की लिस्ट में आता था और मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे पास कस्टमर्स भी आते थे और मेरे ट्रेनर ने मुझसे कहा था कि उनका रिकॉर्ड रखा करो, पर मुझे ये नहीं पता था कि उनका फॉलोअप कब और कैसे लिया जाए। सेल्स तो चल ही रहा था, बट मैं उसमें और खुद में ग्रोथ लेकर आना चाहता था। मैं भी और ज़्यादा सेल्स और इंसेंटिव कमाना चाहता था, साथ ही साथ सीनियर्स का अप्रिसिएशन भी चाहता था। एक दिन मेरे ट्रेनर मेरे स्टोर पर आए तो मैंने उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग बूट कैंप के बारे में बताया और मुझसे कहा कि मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया कि ये एक ट्रेनिंग कैंप होगा जिसे ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ उसमें ऐसे सारे ओईसीज होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में लैग कर रहे हैं। इससे हमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने मिलेगा और साथ ही साथ हम बहुत ऊपर बढ़ सकते हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन कि मैं स्टोर पे खड़े रह के ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, बट मुझे ये लग रहा था कि ये सब तो मुझे ऑलरेडी आता है। बट फिर जब मैंने उन चीज़ों को और अच्छे से सीखा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि ये कुछ नया नहीं है, ये सब ऑलरेडी ऐसे बेसिक्स हैं जो हमें और बेटर सेल्समैन बना सकते हैं। सीखा कि ग्रूमिंग, ग्रीटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप ये सब भी कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओईसीज़ की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, हमें फ़ोन को बेचने का एक पूरा तरीका समझाया गया। मुझे लगता था कि ये सब तो मुझे आता है, मगर मुझे इस बूट कैंप में बहुत कुछ सीखने मिला जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि वर्कबुक मेंटेन करना, यूनिफॉर्म पहनना, टाइम टू टाइम कस्टमर से बात करना। इन सभी स्किल्स से हम उस सेल्स को और भी ज़्यादा यूजफुल, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज जब मैं वो सारी चीज़ें अपने स्टोर पे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ और साथ ही साथ मेरी सेल्स भी काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है। थैंक यू टीम फॉर दिस प्रोग्राम, ये मेरे जैसे कई ओईसीज़ की हेल्प कर रहा है। थैंक यू।